सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग द सेलेस्टो। लास्ट वीक के रॉ के एपिसोड में हमें जे उसो का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। जे उसो टीज कर रहे हैं कि वो रिया रिपली को ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, और चलिए सली वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइज, आपको पता होगा कि जब से हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रिया रिपली का रिटर्न देखने को मिला है, रिया रिपली दो सुपरस्टार पे सबसे ज़्यादा गुस्सा है। सबसे ज़्यादा वो गुस्सा है डोमिनिक मिस्टीरियो पे एंड लिव मॉर्गन पे। और गाइज, लिव मॉर्गन पे क्यों ना हो, क्योंकि लिव मॉर्गन जो है वो हर चीज़ ले चुकी है रिया रिपली से, वुमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को। और गाइज, आपको पता होगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन को एक खतरनाक सीन में रिया रिपली पकड़ लेती है। रिया रिपली का हमें रिटर्न देखने को मिलता है, और गाइज उसके बाद से ही ऐसा लग रहा है कि रिया रिपली एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का जो फैक्शन है वो अलग होने वाला है। रिया रिपली प्रोबेबली हो सकता है कि बेट्रे कर देंगे डोमिनिक मिस्टीरियो को, या डोमिनिक मिस्टीरियो बेट्रे कर देंगे रिया रिपली को। दोनों सुपरस्टार हो सकता है कि एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, और गाइस इसी चीज का फायदा उठाते हैं जे उसो। लास्ट वीक के रॉ के एपिसोड में जे उसो का हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे जे उसो बोलते हैं कि रिया रिपली अगर सिंगल है तो मैं उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए खाली हूं। उनका कहने का मतलब यह है कि जे उसो का कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से है कि डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिपली को छोड़ चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जे उसो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वो अपने लव एंगल में रिया रिपली को फंसाने वाले हैं। और गाइज, रिया रिपली के बारे में जे उसो यहीं पे नहीं रुकते हैं, हमें उनका एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है रॉ के खत्म होने के बाद, जहां पे जे उसो ये बोलते हैं कि रिया रिपली काफी अच्छी चीजों को डिजर्व करती है। आई थिंक वो एक अच्छा कंधा को डिजर्व कर रही है, जहां पे वो आके रो सकती है, और हो सकता है कि वो कंधा मेरा कंधा हो सकता है, जहां पे रिया रिपली मेरे कंधे पे आके रो सकती है या रोने वाली है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रिया रिपली कब ज्वाइन करती है जे उसो को। लेकिन गाइज, अपने तरफ से जे उसो पूरा फ्लर्ट कर रहे हैं रिया रिपली के साथ। आज नहीं तो कल हो सकता है कि रिया रिपली एंड जे उसो का हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए। और गाइज, जब ये वाला चीज होगा तो काफी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। अब देखो, लास्ट वीक के रॉक एपिसोड में एक बार नहीं बल्कि दो दो बार हमें टीज देखने को मिल चुका है जे उसो का, कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं रिया रिपली को। और रिया रिपली का जब जरूरत पड़ेगा कंधे का रोने के लिए, तो हो सकता है कि वो जे उसो के पास जा सकते हैं। तो होप करता हूं कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स।